तो ना सिर्फ मेरे को रोना आ गया यार। तो मैंने, और ठंड, ये नवंबर का टाइम ना ठंड हो जाती है दिल्ली में, ऐसे स्मॉगी हो जाते हैं, तो मैंने खुद डाला और ऐसे करके मैं बस चलना शुरू कर दिया। मैंने से बस चलते 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 मैं कुछ 3 साढ़े साउथ हॉस्पिस विलेज में मैं रहता था, और मैं साउथ एक्स तक चलते चलते चला गया, और चलते चलते और दिमाग में उसे पता नहीं कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, घर क्यों नहीं चल जाता मैं, क्या यार क्या कहाँ क्या कहाँ 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 कहाँ, बस एक वहाँ पर साउथ एक्स पहुँचने के बाद उसे याद आए कि बड़े लोगों के साथ होता है ये सब। बस ये सोचा और मैंने पलटा और मैं स्माइल करके वापस आ गया। तो उस दिन जब मैं रो रहा था बैठ के कमरे में, उस वक्त एक कविता लिखी थी, छोटी सी कविता, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जैसे कविता भी नहीं है यार, मैं कोई ऐसा बहुत राइटर वाइटर नहीं, ये सब मेरे दोस्त की कहानी है बाय द वे। तो उस वक्त कविता थी कि बस का इंतजार करते हुए मेट्रो में खड़े खड़े, बस का इंतजार करते हुए मेट्रो में खड़े खड़े, रिक्शा